हाय एवरीवन, माय नेम इज संघमित्रा सेन गुप्ता। मैं फेबिना कुकिंग कंपटीशन का एक पार्टिसिपेंट हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल डेलिकेसी फिश पातुड़ी और भेटकी मछली पातुड़ी बनाने जा रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं फिश पातुड़ी बनाने के लिए हमको कौन सी चीज की जरूरत है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है भेटकी फिश और सी बस, ऐसे वाले पीसेस लिए हैं मैंने। ये 500 ग्राम फिश है और हमको जो जो चीज चाहिए वो है सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, व्हाइट मस्टर्ड सीड, पप्पी सीड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मस्टर्ड ऑयल। ये कुकिंग जो है टोटली मस्टर्ड ऑयल में बनेगा, ग्रीन चिली, कोकोनट। और मैं ये कोकोनट का एक पेस्ट बना लिए है, ये जो कोकोनट है नॉर्मल, इसका विदाउट एनीथिंग एक पेस्ट बना लिए है। और ये मस्टर्ड सीड और पप्पी सीड का भी एक पेस्ट बना लिए है, ओनली वन ग्रीन चिल्ली डाल के। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन। सबसे पहले इस फिश में हम डालेंगे सॉल्ट, टू टीस्पून सॉल्ट मैंने डाला है इसमें, उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूं कोकोनट पेस्ट, वन टू थ्री एंड फोर टीस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे व्हाइट मस्टर्ड एंड पप्पी सीड का पेस्ट, वो भी मैंने वन टू थ्री फोर एंड फाइव टीस्पून डाल दिया है। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, ऑलमोस्ट वन फोर्थ टीस्पून। टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे वन फुल टीस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, ऑलमोस्ट फोर टीस्पून। अब इन सब चीजों को अच्छे से कोटिंग कर देंगे हर एक फिश के ऊपर, बहुत अच्छे से कोटिंग करेंगे हाथ से, मसल मसल के, ऑलमोस्ट मसाज के जैसा, कि सारे फिश के अंदर ये सारे चीजों का फ्लेवर, टेक्सचर और कलर सब कुछ आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने सारे फिश को मैरिनेट कर लिया है और इस स्टेज में उसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर देते हैं। 10 मिनट हो गया है, हमारा फिश भी अच्छे से कोटिंग होके मैरिनेट हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बिना ये डिश बन ही नहीं सकता है। मीन्स इस डिश का नाम है पातुड़ी, दैट मीन्स पत्ते में बनेगा, ये पत्ते में रैप होके बनेगा। So, ये है नॉर्मल बनाना लीफ जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और ऐसे वाले पीसेस में काट लिया है। तो जितने भी फिश आप बनाएंगे, जितने भी फिश का पीसेस आप लेंगे, उसके हिसाब से एक एक फिश के पीस के लिए एक एक बनाना लीफ हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, पहले हम गैस ऑन करेंगे एकदम सिम में और इस पत्ते को ऐसे गैस के ऊपर हल्का सा सेक लेंगे। इसका जो रीजन है ये है, ये पत्ता जब नॉर्मल ऐसे रॉ में रहेगा, जब आप इसको फोल्ड करेंगे एज ए पर्सल तो ये फट सकता है बीच में से, पर अगर हम इसको ऐसे गैस पे थोड़ा सा सौते कर लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। इट्स डन, हो गया है हमारा। इस
इसके ऊपर मैं ऐसे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐसे ब्रश कर दूंगी। ओके, हल्का सा ग्रीस कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल से। अब एक पीस लेंगे फिश का, सेंटर में रखेंगे, थोड़ा सा मैरिनेशन डालेंगे उसके ऊपर, ये ग्रीन चिल्ली एक होल इसके ऊपर डाल देंगे, एक होल कोकोनट का पीस इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे ऊपर से, और इसको ऐसे पार्सल की तरह फोल्ड कर लेंगे, पहले दोनों साइड से, देन ऐसे दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे एक पार्सल के जैसा। सो जो ऑथेंटिकली बंगाली वो है कि इसको फिर एक धागे से या स्ट्रिंग से अच्छे से रैप कर देते हैं, पर मैं एक इजी वे में आपको दिखा रही हूं, दैट इज टूथपिक। मैंने टूथपिक डाल के इसको फोल्ड कर लिया है बहुत अच्छे से। ऐसे ही जितने भी पीसेस आपको चाहिए बनाने के लिए सबको सेम वे में फोल्ड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे फिश को ऐसे पत्ते में रैप करके ऐसे पार्सल बना लिए हैं। एक एक पत्ते में एक एक फिश दिया है और उसमें जो मैरिनेशन हमने रखे थे जैसे मैंने दिखाया था आपको, वैसे एक एक फिश में ऐसे रख दिया है, एक एक फिश को एक एक पत्ते के अंदर ऐसे रख दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज, मैंने इस पैन को थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया है, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है। अब इसका ढक्कन हटा के इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे, बहुत ही लिटिल बिट, जस्ट एक बार आपके ब्रश में जितना आए उतना ऑयल से पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। ओके, जस्ट लिटिल बिट ग्रीस कर लिया। द नेक्स्ट स्टेज इज, एक एक पत्ते को बहुत आराम से यहाँ पे रखेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो लो में है और लीड से इसको कवर कर देंगे। ये हम पहले एक तरफ होने देंगे और जब एक तरफ सीक जाएगा अच्छे से हम तो उसको पलट देंगे। तो हम 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं लीड लगा के कि इसका एक तरफ बहुत अच्छे से सीक जाए। अच्छे से सौते होने के बाद हम इसको पलट देंगे। ओके फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे एक एरोमा आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो फिश है वो एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सौते हो गया है। अब मैं इसका लीड को खोल के, यस, ये एक साइड से बिल्कुल हो गया है आई थिंक। अब हम इसको पलट देंगे, सेकेंड साइड से अच्छे से कुक होने के लिए। ये मैंने इसको पलट दिया है, ऐसे ही आप सारे फिश को। फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गया है और बहुत अच्छा एक अरोमा निकल रहे हैं इस फिश से, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यस, ये दोनों तरफ से अच्छे से सौते हो गया है। इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और सारे फिश को हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। फिश को हमने निकाल लिया है और ये दिखने में ऐसा लग रहा है, यू कैन सी,
अब इस स्टेज पे मैं एक फिश को आपको डिमोल्ड करके दिखाऊंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप थोड़े देर, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज पैन से निकालने के बाद ये बहुत ही ज्यादा हॉट रहता है, तो इसको डिमोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2 मिनट के लिए इसको कूल डाउन होने दीजिए। मैंने 2 मिनट छोड़ दिया था इसको कूल डाउन होने के लिए। जैसे हम इसको हाथ लगा सकते हैं, ऐसे हॉटनेस रहने देते हैं। तो मैं अभी इस टूथपिक को निकाल लेती हूँ और इसको ऐसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। इसका अरोमा जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे और जब बनाएंगे तो इस अरोमा के लिए आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। बहुत एक अच्छा अरोमा आ रहे हैं। फिश एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। ऐसे मैं टूथपिक को अंदर ले जाके दिखा रही हूँ आपको। फिश के अंदर टूथपिक एकदम सॉफ्टली स्मूथली जा रहे हैं। सो लीजिए, इस फिश को मैंने इस प्लेट पे रख दिया है और परोस दिया है एक हॉट स्टीम राइस के साथ। इसके साथ मैंने यहाँ पे लाइम, एक कोकोनट के पीस और एक ग्रीन चिली सर्व किया है। दिस इज अ प्योर बंगाली डेलिकेसी फिश पातुरी, भेटकी माछे पातुरी। तो मेरा ये डिश अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस डिश को शेयर कीजिए और डेफिनेटली आप एक बार घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।